ज़ीरो क्या होता है? तो ज़ीरो होता है आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी ज़ीरो होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में। चौथा प्रॉपर्टी आता है कि फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी देयर एग्जिस्ट माइनस यू बिलोंग्स टू वी सच दैट यू प्लस माइनस यू इज ज़ीरो। मतलब वेक्टर, कोई भी वेक्टर ले लूँ वी में यू, तो उसके लिए एक नेगेटिव भी एग्जिस्ट होना चाहिए, सच दैट दोनों को जोड़ने पर ज़ीरो आ जाए। तो यहाँ से एक निकल के आता है कि वेक्टर स्पेस में ज़ीरो तो होना ही चाहिए अंडर एडिशन में, ठीक है। वेक्टर स्पेस अगर है तो उसमें ज़ीरो होना ही चाहिए। आप वेक्टर स्पेस चेक करते समय ये भी चेक कर लो कि उसमें ज़ीरो है कि नहीं, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टी चेक करना है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या चेक करना है? तो मैं एक स्केलर लेता हूँ के और दो वेक्टर लेता हूँ वी में, तो के टाइम्स ऑफ यू प्लस वी इज के यू प्लस के वी। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग रहा है, होना चाहिए। दूसरा, मान लो कि मैं दो स्केलर ले लेता हूँ और एक वेक्टर लेता हूँ, तो ए प्लस बी ऑफ यू, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, ए यू प्लस बी यू। तीसरा क्या होता है, अगर मैं ए बी ले लूँ फील्ड में, रिमेंबर जब भी मैं ये ले रहा हूँ तो मतलब नंबर्स ले रहा हूँ, और जब भी ये ले रहा हूँ तो वो वेक्टर ले रहा हूँ, ए इंटू बी इंटू यू इज ए इंटू बी इंटू यू। और पांचवा है कि फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू एफ सच दैट वन इंटू यू इज इक्वल्स टू यू। अब वन होता है आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो अगर कभी भी हमें वेक्टर स्पेस चेक करने आ रहा है एग्ज़ाम में, एमसीक्यू अगर ऐसे आ रहा तो ये दसों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। एग्ज़ाम में अगर आ रहा है एमसीक्यू तो हमें सबसे पहले ये दो चेक करना चाहिए इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखना चाहिए कि क्या उसमें ज़ीरो है, ज़ीरो भी अगर हो तो देखना चाहिए क्या उसमें वन है। अगर ये चारों हो जाती हैं, जनरली इन चारों से हमें मिल जाता है कि वेक्टर स्पेस है कि नहीं, बट अगर कभी ये चारों हो गए उसके बाद हमें बाकियों को चेक करना चाहिए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वेक्टर स्पेस। अच्छा, और इसका डेफिनेशन क्या है कि अगर हम जब ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ग्रुप थ्योरी में इस प्रॉपर्टी को और इन चारों को जब हम मिला देते हैं, तो मतलब ये पांच टोटल, फर्स्ट वन, क्लोज इनर एडिशन और ये चार एडिशन के जब मिला देते हैं तो बोलते हैं कि दिस इज अ अबेलियन ग्रुप। तो हम बोल सकते हैं कि V इज सेट टू बी द वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F इफ इट इज़ अबेलियन अंडर एडिशन, एडिशन में अबेलियन हो जाए, इन पांचों को मिला के अबेलियन कहा जाता है, एंड ये पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, ओके। वेक्टर स्पेस का और भी एक दो नाम है, वो भी मैं लिख देता हूँ। तो वेक्टर स्पेस को हम लीनियर स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है, वेक्टर स्पेस को हम लीनियर स्पेस भी बोलते हैं, ठीक। अच्छा, तो ये है इसका प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस का। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसके बाद हम कुछ सम्स भी करेंगे इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसके पहले एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। वेक्टर स्पेस में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है वेक्टर, एक तो होता है फील्ड। वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर्स होते हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट होता है जिसके अंदर बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं। फील्ड का मतलब आप याद रखिए कि नंबर, उसके अंदर नंबर्स होते हैं, ठीक है। फील्ड कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर का फील्ड, कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड, ठीक है। इसको वी ओवर एफ पढ़ते हैं, इसको ही प्रूव करते हैं कि वी इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ इज सेट टू बी द वेक्टर स्पेस इफ, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, क्लोज इनर एडिशन, क्लोज इनर मल्टीप्लिकेशन, ये तो इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो हो जाती हैं तो ये चाहे एडिशन की और ये चाहे मल्टीप्लिकेशन की सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे और फिर हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व भी करेंगे प्रैक्टिस के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ओके। सो थैंक यू।